हेलो एवरीवन, मैं जनेओड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपेयरिंग और साथ के साथ जेई के लिए प्रिपरेशन करें, उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है प्लस टू का डिटरमिनेंट चल रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज और उस बेसिस जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अब उसी बेस पे हम आगे कुछ एक डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपका जेई मेन और जेई एडवांस का जो पूरे के पूरे टॉपिक है वो कवर करेगा बाकी का पोर्शन। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक लेक्चर करने हैं। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि आपका कंपटीशन में नहीं आ रहा है, आपके जेई मेन और जेई एडवांस के जो आपका एग्जाम है उसमें देखने को ना मिले। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, हमारे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं उससे आपका कितना कवर हो पाएगा। जब आप पूरा चैप्टर एक कंप्लीट करते हो मिला के, तब जाके आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व होंगे। साथ के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको पूरा का पूरा काम अपने प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट मिलेगा। तो आपको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है, एक एक लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अब हम पिछले लेक्चर के अंदर कुछ एक डिटरमिनेट पढ़े थे, उस बेसिस कुछ एक रिजल्ट बताता हूँ जो आपको याद रखने। यार देखो, सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेट्स, कुछ एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेट होते हैं जिनका रिजल्ट हमारे को पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम क्वेश्चन करते हैं कंपटीशन में, अगर आपको रिजल्ट याद है तो आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, टाइम बचेगा। कैसे, देखो ये हमने हालांकि पहले कवर भी किए हैं, 111 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डिटरमिनेट हमने किया था। इसका रिजल्ट क्या था, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए होता है, ये हमने किया था। कई बार इसका ट्रांसपोज करके भी दे देता है, कहने का मतलब पहला कॉलम पहली रो में मिलेगा 111, दूसरा कॉलम दूसरी रो में, तीसरा कॉलम तीसरी रो के अंदर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। दूसरी चीज, अगर ए बी सी की जगह आपको एक्स वाई जेड दे दे तो रिजल्ट आपका सिर्फ एक्स वाई जेड में ही चेंज हो जाएगा। कैसे, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ए बी सी की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स वाई जेड आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। दूसरा, जब आपके पास ये तो 1 1 रहेगा, यहाँ पे पावर 1 ही है, यहाँ पे पावर क्यूब कर दी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, जब क्यूब कर दी एक पावर बढ़ा के दे दी तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए तो सेम का सेम, मल्टीप्लाई में क्या दे दिया, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करके इस रिजल्ट में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करा दिया। जब पावर एक बढ़ी यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्यूब हुआ तो इन तीनों का सम और उसके साथ जो पिछला जो हमने डिटरमिनेट किया था उसके रिजल्ट के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भी, अब आगे हम करते हैं। जब आपके पास 111 यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया और क्यूब दोनों एक साथ आके बैठ गए तो ये रिजल्ट तो सेम का सेम, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये तो सेम का सेम। जब आपके पास दोनों एक साथ आके बैठ गए तो आपका इस केस में क्या होगा कि दो का प्रोडक्ट ए बी बी सी प्लस सी ए, ठीक है, दो का प्रोडक्ट उनका सम और इस रिजल्ट के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, इन तीनों का क्या करोगे, सम कर देंगे। पहले तो दो दो का प्रोडक्ट किया, फिर तीनों को मिला के क्या कर दिया, सम करके इसके साथ क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। तो आपके पास इस वाले डिटर्मिनेट का रिजल्ट आ गया। तो ये तीन डिटर्मिनेट आपको यहाँ पे याद रखने हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट और उनके रिजल्ट चेंज नहीं होते, सिर्फ आपको ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड में दे सकता है, इस फॉर्म में दे सकता है। नेक्स्ट हम अगर करते हैं साइक्लिक डिटरमिनेट, क्या आता है हमारे पास, साइक्लिक डिटरमिनेट। अब नाम से ही पता लग रहा है, ये चौथा रिजल्ट हमारे पास साइक्लिक डिटरमिनेट, नाम से पता लग रहा है कि जब हमारे पास वैल्यू साइक्लिक फॉर्म में है, कैसे, हमारे को ए बी सी बी सी ए सी ए बी दे दिया, तीन वैल्यू ए बी सी, तीनों ही एक साइकिल में घूम रही है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी एक साइकिल बन रहा है, तो इसका जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहेगा, 3abc माइनस का साइन है बीच में और ब्रैकेट लगाना ना भूले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, 3abc माइनस का साइन और तीनों के क्यूब का सम, हमारे पास इस डिटरमिनेंट का क्या होता है, रिजल्ट। जब इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट आप सोल्व करके देख लेना, आपके पास ये ही रिजल्ट मिलेगा और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपने अगर याद है कि अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी है, जो कि ये आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको याद दिलाएगा यहाँ पे 9th क्लास के अंदर,
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है। या दूसरा रिजल्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसी का रिजल्ट ये भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी वन बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और पूरे पे ब्रेकेट। ठीक है, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही बात है, चाहे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, कहने का मतलब तीन फॉर्म हो गई, ये एक रिजल्ट, इस रिजल्ट को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि आप नाइन्थ क्लास में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ के आए हो। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, इसको अगर लिखूं मैं, लेकिन इसमें क्या था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आगे बैठा था, तो इसमें पीछे लेकिन माइनस आ गया, तो अगर माइनस कॉमन लिया मैंने तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का थ्री ए बी सी बन गया, क्योंकि वहां प्लस का था और ये पूरा माइनस में था, तो ये पूरा प्लस का बन गया, माइनस थ्री ए बी सी बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये अंदर वाला जो रिजल्ट है ये हमने पढ़ा है यहां पे कि ये किसके बराबर, देखो माइनस तो आगे बैठा ही है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर हो जाएगा। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये जो रिजल्ट है, माइनस तो आगे पड़ा ही रहेगा, तो इस रिजल्ट को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसे इसको लिखा था हमने, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि माइनस आपके पास आगे बैठा रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर और पूरे पे ब्रेकेट। इट्स थ्री टाइप्स ऑफ आंसर इन डिफरेंट वेज, इसका तीन टाइप में आपको आंसर दे सकता है अलग अलग, जो कि कंडीशन के अंदर अप्लाई करके। आपको ये रिजल्ट याद रखने, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो यहीं से ही कुछ ना कुछ निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है कि यहाँ पे जैसे पूरे के साथ के मल्टीप्लाई देगा ये डिटर्मिनेट, और ऐसे दे देगा भी सोल्व करो के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू इसके साथ जब के मल्टीप्लाई होगा तो के तो वन रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का जब आप करके देखोगे। तो आपको तीन इसके अंदर रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट आपके पास ये हो गया, और एक आपके पास है ये वाला हो गया, तीन रिजल्ट हो गए। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपके पास इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएंगे सम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स, जिनके रिजल्ट आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। अब उस बेसिस, ये तो हमारे डिटर्मिनेंट हो गए जो कि हमने प्रॉपर्टीज बेसिस किए थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स, अगर आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी है तो ये बड़ा आसान सा है, यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिया होता, इसको बिल्कुल छोटी सी चीज़ है ये। अब हमारे पास क्या देगा आपको कि सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट क्या होता है कि इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, कहने का मतलब ए आई जे अगर कोई एलिमेंट ए जे आई एलिमेंट के अगर बराबर आता है तो इस केस में क्या बोलोगे, देन डिटर्मिनेंट इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो हमेशा क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट है सिमेट्रिक है डिटर्मिनेंट कहलाएगा। जैसे आपको दिया ये डिटर्मिनेंट दे दिया ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, तो इस केस में क्या हुआ कि जो मेरे को, एक चीज देखो कि ए वन टू किसके बराबर होना चाहिए, ए वन टू ए टू वन के बराबर होना चाहिए, तो देखो क्या बराबर है ये एच, क्या इस एच के बराबर है भी। क्या किया कि आपस में आई और जे की वैल्यू इंटरचेंज की, तो अगर ये सेम आ रहा है तो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाता है। इसी तरीके से जैसे आपके पास जी था ए वन थ्री, ए वन थ्री किसके बराबर, ए थ्री वन के बराबर है, तो आपके पास देखो जी ए थ्री वन के बराबर है। अगर आपके पास एफ की अगर बात करूं तो एफ किसके बराबर है, यहां पे एफ बेटा है ए टू थ्री ए थ्री टू के बराबर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो आपस में क्या किया कि आई और जे का हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज करते हैं अगर रिजल्ट सेम मिले। कहने का मतलब जब डिटर्मिनेंट का, पूरे डिटर्मिनेंट का अगर ट्रांसपोज करूं और सेम ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहे, कहने का मतलब अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे सेम मिल रहा है, ए वन टू ए टू वन ए वन थ्री ए थ्री वन ए टू थ्री ए थ्री टू, तो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाएगा।
और कुछ भी नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ी तो उसी बेसिस सेम चीज है। अब देखो, अगर आपको ये डिटर्मिनेट दिया, अब इस डिटर्मिनेट के अंदर हमारे पास ये डिटर्मिनेट था, तो पहले दो कॉलम मैंने यहां पे लिख दिए, पहले दो कॉलम लिख दिए। अब आपको क्या करना है इस केस में कि पहले दो कॉलम मैंने यहां पे लिखे, आपको सर्च मेथड मैंने आपको करवाया था, क्या सर्च मेथड। अब सर्च मेथड में जब डिटर्मिनेट आप ओपन करते हो तो कैसे होता है कि मेरे पास ये दो पहले कॉलम को मैं यहां पे लिखता हूं, फिर क्या करता हूं, देखो ये वाले को ए बी सी, डिटर्मिनेट ओपन होगा तो ए बी सी और प्लस का साइन लगाता हूं, फिर यहां पे चलूंगा एच एफ जी, प्लस में एच एफ जी प्लस जी एच एफ, या एच एफ जी बोल दो चाहिए एच एफ जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया, तीन बार मैंने ऐसे क्रॉस किया कि इस कॉर्नर से लगा इस कॉर्नर तक सर्च मेथड में जाते हम। अब दूसरा, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है, बीच में क्या लगता है इसके, माइनस का साइन, और ब्रैकेट लगाना ना भूले। अब अगर इस ब्रैकेट पूरे पे लगानी है, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से तो आपका हो गया। तो अब दूसरा, कौन सा कॉर्नर पकड़ना होता है आपको, इस तरीके से चलते हैं आप, ठीक है। तो बी और जी स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन लगा, बी जी स्क्वायर हो गया। अब ऐसे जाओगे, ए एफ स्क्वायर हो गया प्लस ए एफ स्क्वायर। अब ऐसे जाओगे सी एच स्क्वायर, तो क्या हो गया सी एच स्क्वायर, और ब्रेकेट लगाते हैं। तो इसी तरीके से करने, अभी इधर जा रहे हैं तो तीनों का प्रोडक्ट करके सम कर दिया, बीच में माइनस का साइन, और फिर इधर से जा रहे हैं तो तीनों का प्रोडक्ट करके उनका क्या कर दिया, मैंने सम कर दिया। तो हम ये सर्च मेथड अप्लाई करके आए हैं पीछे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो सर्च मेथड हो जाएगा। अब इस केस में एक चीज देखो भी, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे सेम है, तो आपके पास ए बी सी प्लस टू एच एफ एच जी एफ, और हमारे पास माइनस हो जाएगा, माइनस था लेकिन बी जी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर सेम का सेम रहेगा। तो आपके पास ये जो डिटर्मिनेट आ गया, इस डिटर्मिनेट को सोल्व किया तो मेरे पास ये मिला। तो ये डिटर्मिनेट क्या, इट इज बिहेव लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस डिटर्मिनेट का आंसर। तो आप सर्च मेथड लगा के भी सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, सेम रिजल्ट मिलेगा, मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिटर्मिनेट कहलाएगा। तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेट में सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है कि ए आई जे जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए जे आई के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस केस में सेम होगा तो सिमेट्रिक डिटर्मिनेट कहलाएगा। अब दूसरा रिजल्ट आपको बताता हूं, आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो पढ़ी है, उसी बेसिस आपके पास आता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट। इसके अंदर क्या होगा कि ए आई जे जो है अगर माइनस ए जे आई के बराबर आ जाए, इसमें पीछे वाले में तो क्या था, प्लस का था, ए आई जे इजक्वल टू ए जे आई प्लस का था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस अगर साइन आगे आ जाता है देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट। तो ये क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट कहलाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इन स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा क्या कहलाएंगे, जीरो होंगे, हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे, ऑलवेज जीरो। ये बात लिखी है, ऑलवेज जीरो लिखा है मैंने पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मेरे पास डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं A11, A22, A33। ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं कौन से, I इक्वल टू J की कंडीशन वाले। ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, जीरो के बराबर मिलेंगे, किसके बराबर, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, ठीक है। अब इस केस में फोर्स क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट कैसे होता है, इस तरीके से देखो, जब आपके पास आई अगर जे के बराबर है तो इसका मतलब मेरे पास डायगोनल एलिमेंट को ए आई आई से डिनोट करता हूं, ए आई आई से डिनोट करूंगा, तो क्या आपके पास ए आई आई जो है वो माइनस ए आई आई के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इसकी कंडीशन है भैया ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई के बराबर होना चाहिए, मतलब माइनस के बराबर होना चाहिए जब इंटरचेंज करता हूं आई और जे को, तो इसमें आई जे के बराबर है लेकिन मेरे पास किसके बराबर, माइनस वाले के बराबर। ये माइनस का अगर मैं इधर लेके आता हूं तो टू ए आई आई बन जाएगा, क्योंकि माइनस था इधर आएगा तो प्लस,
कहने का मतलब ऐसे मिलेगा ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल क्या हो गया जीरो, तो टू टाइम हो गया, टू टाइम इक्वल जीरो हो गया, तो ये टू इधर भेजू तो ए आई आई किसके बराबर मिलेगा जीरो के बराबर। तो कहने का मतलब जो डायग्नल एलिमेंट है वो सारे के क्या मिलेंगे इस केस में जीरो मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो आपको इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है इस बेसिस, बस इतना से ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। हमारे को क्या दिया है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डी इक्वल ये दिया है, तो इसकी वैल्यू बतानी है डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो इस केस में एक बात होता है, ये डिटर्मिनेंट है कौन सा, क्या आपके पास क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है ना। देखो ध्यान से, अगर आपने मैट्रिक्स की है तो कैसे कि मेरे पास ये ए माइनस ए के बराबर है, देखो पता कि समझो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये है ए वन टू, ये क्या है ए वन टू, ये मेरे पास क्या है ए टू वन, ठीक है। तो ए वन टू जो है वो माइनस किसके बराबर होना चाहिए ए टू वन के, तो इसी तरीके से है माइनस के बराबर है। इसी तरीके से माइनस बी बी के बराबर है, सी माइनस सी के बराबर है, और डायगनल एलिमेंट इसमें क्या हो गए जीरो, डायगनल एलिमेंट क्या बैठे हैं सारे के सारे जीरो, तो क्या कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। अब चलो इसको सोल्व करना, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे भी बता दिया कि किस तरीके से आपको मिलेगा मैट्रिक्स, अगर आपने किया सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक तो आप आराम से कर लोगे इस चीज को। तो अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ओपन कर देता हूं किसी भी ओपन टू, मैं कर देता हूं आर वन से ओपन कर देते हैं, अभी क्यों दुखी हो इस चीज में, अगर ओपन करूँगा तो जीरो बैठा है पहला एलिमेंट, तो आर वन से ओपन कर रहा हूं तो जीरो के साथ कुछ नहीं करना, माइनस लगेगा ए आ जाएगा, ए आ गया, ये डिलीट ये डिलीट माइनस, ये मेरे पास कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, माइनस ए और जीरो की इसके साथ होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, अगला आ जाएगा प्लस माइनस का बी लगेगा, अगला एलिमेंट क्या लिया मैंने ये वाला लिया तो माइनस बी था, अब इसके साथ क्या आगे बैठ जाएगा इसकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी हो गया, माइनस का क्या बैठा है जीरो, ये हो जाएगा। अब वैसे इसको सोल्व कर लो, ये तो जीरो रहेगा कुछ नहीं करना, ये माइनस से अंदर जाएगा तो प्लस ए बी सी हो गया, ये माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी सी हो गया, तो प्लस माइनस कटा तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली जीरो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी इस केस में जीरो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक जो कि एग्जांपल है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का। तो आपको इस तरीके से सोल्व भी करना, आपको आता भी है डिटर्मिनेंट, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब वैसे इसका रिमार्क एक ध्यान में रखना भी, रिमार्क में क्या है सीधा रिजल्ट बताता है आपको कई बार कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल ओड ऑर्डर, ओड ऑर्डर का मतलब हो गया वन का हो गया, आपके पास थ्री ऑर्डर का हो गया, इस तरीके से हैज द वैल्यू जीरो, ठीक है। ऑल ओड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट होगा वो उसका हमेशा जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा हमेशा जीरो मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल इवन ऑर्डर हैज ए परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज। अगर आपके पास इवन डिटर्मिनेंट है, कहने का मतलब टू ऑर्डर का है फोर ऑर्डर का है, इस तरीके से अगर आपको दे रहा है तो आपके पास उसका जो आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा एक परफेक्ट है स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। कैसे कि तीन ऑर्डर का तो मैंने अभी अभी आपको करवाया है, ये मेरे पास क्या था थ्री इंटू थ्री, कहने का मतलब थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, या ना थी, अच्छा थ्री ऑर्डर का था, तो इस केस में क्या बोलोगे ओड ऑर्डर है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली मेरे को इस केस में जीरो के बराबर मिली कि नहीं मिली भी, अगर जीरो के बराबर मिली तो आपके पास ये जो है ये आपके पास क्या है टू ऑर्डर का, कहने का मतलब टू ऑर्डर है इवन है, इवन ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आना चाहिए। कैसे ओपन करो, ओपन जब भी मैं इसको करता हूं इसकी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो, माइनस साइन लगाऊंगा बी माइनस बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का
बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी और माइनस बी, माइनस बी और माइनस बीच में लगाते हैं एक, तो प्लस का हो जाएगा, जीरो प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर के, तो क्या मिला आपको, एक है परफेक्ट है स्क्वायर की फॉर्म में, बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर ही तो है, तो इस केस में डिटर्मिनेट हमेशा क्या देता है, एक है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रिमार्क आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं, दो चीज है, अगर ओड ऑर्डर दे दिया डिटर्मिनेट का, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट पे बात हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेट पे अगर आपके पास ओड ऑर्डर दे दे तो डिटर्मिनेट की वैल्यू हमेशा जीरो, अगर इवन ऑर्डर दे दे आपके पास तो हमेशा क्या रहेगा, एक परफेक्ट है स्क्वायर, जैसे बी स्क्वायर यहाँ पे क्या एक है परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा ये डिटर्मिनेट। अब इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं जो कि आता है आपको समेशन प्रॉपर्टीज कन्वर्स। अब बात करते हैं, हमने समेशन प्रॉपर्टी तो पढ़ी है लेकिन उसका उल्टा, कन्वर्स मीन्स क्या होता है भी, कन्वर्स मीन्स क्या होता है उल्टा, उसका उल्टी चीज भी आपको गिवन होगी, किस तरीके से, समेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है ये चीज देखो भी, अगर समेशन प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं, समेशन प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो मेरे को क्या बोलता है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर द सम ऑफ आर एलिमेंट्स देन डिटर्मिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ आर डिटर्मिनेट्स। अगर समेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेट, मैंने आपको बताया था सॉरी, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर किसी रो के अंदर बैठा है तो आपके पास डिटर्मिनेट भी दो या दो से ज्यादा उत्पन्न हो गए। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि इफ एलिमेंट किसी रो के अंदर अगर आर बैठे हैं, आर एलिमेंट का क्या कर रखा है, सम कर रखा है, आर एलिमेंट्स का क्या कर रखा है, सम, तो उस केस में जो डिटर्मिनेट ओपन होंगे ना वो हमेशा क्या होंगे, आर ही ओपन होंगे, कितने ओपन होंगे, आर ही डिटर्मिनेट ओपन होंगे, ठीक है। अब इस केस में जैसे हमारे को डिटर्मिनेट दिया था तो इसके रिजल्ट देखो, ये दोनों रो तो सेम की सेम रखी है हमने, इसमें तो कोई चेंज नहीं मारना होता क्योंकि समेशन प्रॉपर्टी में बताया कि इसके अंदर दो एलिमेंट का सम है, पहली रो के अंदर पूरी के अंदर दो दो एलिमेंट का सम है, तो आप क्या करोगे, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन अलग किया, प्लस का साइन रखना है, ये तो सेम की सेम एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, तो ये तो हमारे पास समेशन प्रॉपर्टी थी। अब इस केस में इसका कन्वर्स क्या मिलेगा, इसका उल्टा क्या मिलेगा, देखो कन्वर्स के अंदर क्या बोल रहा है, इन रिवर्स वे द समेशन ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेट इज एक्सप्रेस्ड इन ए सिंगल डिटर्मिनेट इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर फिक्स्ड इन ऑल द डिटर्मिनेट्स। आपको ये बोल रहा है कि अगर आपके पास रिवर्स में क्या दिया कि समेशन ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेट्स इज एक्सप्रेस्ड इन ए सिंगल डिटर्मिनेट, कोई भी दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है सिर्फ एक सिंगल है डिटर्मिनेट में, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर फिक्स्ड इन ऑल द डिटर्मिनेट। अब इस केस में क्या होगा कि दो रो या दो कॉलम इसके अंदर क्या होगा, फिक्स होगा, वो किस तरीके से, अब इस चीज को समझने वाली बात है आपके लिए, इस चीज को अच्छे से समझना है कैसे। जैसे आपको दिया एग्जाम्पल दिया कि ये डिटर्मिनेट आर फंक्शन का है, डी आर का मतलब ऐसे लिख दिया ना डी आर, या आपको डी एक्स, तो इसका मतलब आर फंक्शन का डिटर्मिनेट है ये एक्स, एक्स है जो मेरे पास फंक्शन का डिटर्मिनेट है, बता की समझ। तो आपके पास इस केस में आपको दिया डिटर्मिनेट दे दिया एफ आर एक्स पी जी आर एच आर वाई क्यू जेड टी। अब इस केस में दो कॉलम जो है वो तो आपको फिक्स कर दिए क्योंकि डिटर्मिनेट पे वेरिएबल क्या दिखा है इसने, जो आर ये दिखा रहा है ना ये वेरिएबल दिखा रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे एक है वेरिएबल है, तो इस केस में पहला जो कॉलम होगा वो कितने इसके अंदर वेरिएबल हमारे पास जब ओपन करवाएगा, जब प्रॉपर्टी लगाएगा तो कितने तक ओपन करेगा उतने ही डिटर्मिनेट ओपन होगा, लेकिन जो दो कॉलम है वो इसके अंदर क्या है फिक्स, उस पर कोई भी आर का रूल नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ आर कौन सा है, सिर्फ कॉलम है फर्स्ट है, सिर्फ कॉलम है फर्स्ट है। अब इस केस में के जैसे हमने प्रॉपर्टी लगाई
समेशन का साइन लगा आर वन से लेके एन तक, समेशन आर वन से लेके एन तक डी आर पे प्रॉपर्टी लगाई। तो आपके पास जो आर वेरिएबल है ना उन सब पे समेशन साइन लगेगा, ये दोनों सेम का सेम, ये फिक्स है दोनों कॉलम, रो में भी आ सकता था, ये दोनों कॉलम जो है वो फिक्स है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब मैंने समेशन यहां लगाया ना इसके बारह, तो इसके पहले कॉलम के अंदर भी सबके ऊपर समेशन लग जाएगा जहां पे आपको वेरिएबल की फॉर्म में जो फंक्शन दे रखा है। जैसे यहां पे आर की फॉर्म में था तो इसका मतलब जो फंक्शन है ना वो किसका है, आर का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर, क्योंकि मैंने यहां पे दिखाया है। तो इधर अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी या कोई रूल लगाया आर वन से लेके एन तक समेशन लगाया, तो इधर भी पूरे में जहां जहां आर का फंक्शन बैठा है वहां पर भी क्या लगेगा, आर वन से लेके एन तक एफ आर पे, आर वन से लेके एन तक जी आर पे, समेशन आर वन से लेके एन तक एच आर पे, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन दे दिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन पहले सॉरी दूसरे जो दो कॉलम है सी टू और सी थ्री दोनों फिक्स है, उस पर कोई किसी प्रकार का रूल नहीं लगेगा, ठीक है। जो फंक्शन है ना जिसका उसी पे अप्लाई करना है। अब जैसे आपको इस केस में ये क्वेश्चन दे दिया तो आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आपसे आंसर किस फॉर्म में पूछेगा। जैसे आपको दिया कि डिटर्मिनेट ऑफ आर का दे रखा है, आपको आर फंक्शन का डिटर्मिनेट आर आर माइनस वन आर माइनस वन आर दे दिया, बाई यूजिंग समेशन प्रॉपर्टी फाइंड समेशन आर जीरो से लेके सो तक डी आर की वैल्यू बतानी है। तो कहने का मतलब आपके पास जो डी आर था उस पर क्या अप्लाई कर दिया, समेशन, और प्रॉपर्टी आर जीरो से लेके कहां तक है, सो तक, पता की समझ में। तो आपके पास आर फंक्शन का ही डिटरमिनेंट, लेकिन इसमें क्या बोला था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या मिलेंगे, फिक्स मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम पे ही अप्लाई होता है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं, हमने जो पढ़ा था ऑपरेशन लगाता हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने करवाई है, ऑपरेशन लगा के एक को जो है वो फिक्स कर दो, सिर्फ एक कॉलम या एक रो को आप क्या करोगे, वेरिएबल की फॉर्म में रख लो, बाकी एक कॉलम या एक रो को क्या करना है अपने को फिक्स करना है, मतलब कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लेके आना है। अब कॉन्स्टेंट की फॉर्म में लेके आना है तो सिंपल सा टू ऑर्डर का है, ऑपरेशन लगाना आपको आता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, सी वन पे ऑपरेशन लगा दिया। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो आर से आर कट जाएगा ना, तो सी वन माइनस क्या कर दिया मैंने, सी टू कर दिया। करके देखो भी, तो डी आर आपके पास क्या मिलेगा, देखो भी, जब इसमें से ये माइनस होगा आर में से माइनस आर माइनस वन होगा, तो आर से आर कटा माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वन, प्लस वन। इस वाले में देखो आर माइनस वन में से आर जाएगा तो आर से आर कटा माइनस का वन, ठीक है। तो ये मेरे पास आर माइनस वन और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना सोल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि जो फंक्शन है आर का सिर्फ और सिर्फ कॉलम टू में बचा, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, वो रूल अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, समेशन अप्लाई कर दिया डी आर पे, आर जीरो से लेके सो तक, लिमिट देखना है अच्छे से, लिमिट आपको इधर उधर नहीं करनी है इस केस में, कभी आगे पीछे कर दो। अब मेरे पास समेशन आर माइनस वन आर जीरो से लेके सो तक, दूसरे पे भी अप्लाई करोगे आर पे भी, आर जीरो से लेके सो तक, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं लगा सकता कोई भी किसी प्रकार का। अब आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेट को सोल्व कर लो। इस डिटर्मिनेट को सोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा भी, जब मेरे पास ये तो वन माइनस वन रहेगा लेकिन यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करूंगा। अब आर जीरो से लेके सो तक और आपको क्या दिया है, आर पे। जब अगर आपको याद है किसी भी नेचुरल नंबर का मैं सम करता हूँ एन का, एन अगर जीरो से लेके सो तक, लेकिन नेचुरल नंबर में क्या होता है, वन से शुरू होगा आपका, तो वन से जब शुरू होता है तो इसका जब भी सम करता हूं तो आपके पास वन प्लस टू प्लस थ्री और ऐसे चलता है, कहां तक जाता है, ये सो तक। तो एक से लेके सो तक का जो समेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा सम करते हैं तो पचास पचास, ठीक है। या आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हो, एपी का फॉर्मूला लगेगा, सम कर सकते हो, लेकिन आपको सीधा रिजल्ट याद होना चाहिए कि फर्स्ट हंड्रेड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, पचास पचास होता है। तो इसी तरीके से ये एन की फॉर्म में था,
और ये सिर्फ हमारे पास क्या है आर की फॉर्म में, तो जीरो से लेके सौ तक ये भी क्या देगा 50-50। देखिएगा भैया ये वन और माइनस वन को तो मैं लाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे पास 50-50 दे देगा। लेकिन बात आती है ऊपर वाले की, जीरो से लेके सौ तक आर माइनस वन कर रखा है, तो इस केस में जब भी आप ओपन करोगे देखो भाई आर माइनस वन आर जीरो से लेके सौ तक, जैसे ही मैंने जीरो अप्लाई किया तो माइनस वन प्लस, फिर वन अप्लाई करूं आर की वैल्यू तो जीरो, फिर मेरे पास टू अप्लाई किया तो वन आया, ऐसे ही चलता जाएगा। और मैंने जब सौ अप्लाई किया तो क्या आ गया 99। तो एक बात बताओ कि मेरे पास एक से लेके 99 तक तो वैल्यू आ गई, माइनस वन आगे बैठा है माइनस वन। लेकिन मेरे को यहाँ पे अगर बात करूं कि मेरे पास एक से लेके 99 तक तो सम नहीं है, एक से लेके मेरे पास 100 का सम कितना है 50-50, तो उसमें से क्या करूँगा मैं, जो 50-50 है ना उसमें से 100 माइनस कर देता हूँ भाई, तो एक से लेके 99 तक का बचेगा, तो आपके पास माइनस वन प्लस ये कितना हो गया अभी मेरे पास 49-50, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 49-49 आ गया, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जो ये वाला रिजल्ट है वो आ जाएगा 49-49। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना 49-49, तो आपके पास ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी को सोल्व करना है कि आपको जब भी कोई डिटर्मिनेंट दे दे तो आपको वैल्यू इस तरीके से समेशन के अंदर, जो समेशन का उल्टा जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसके अंदर हमेशा एक बात याद रखना है कि कोई भी एक रो को वेरिएबल की फॉर्म में रखोगे, बाकी को सबको क्या करोगे एक फिक्स कर दोगे, कहने का मतलब कोई कॉन्सेप्ट में लाके रख दोगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। अब फंक्शन का पता लगेगा आपको, ये बताएगा कि आर फंक्शन का है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है ये दिखाएगा आपको। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोई भी समेशन प्रॉपर्टी है उसका उल्टा जो प्रोसेस है वो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास लगभग मान के चल सकते हो। अब जो उसके बाद जो टॉपिक आएगा, अब सिर्फ इसके कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसलिए सभी बच्चे तैयार रहे। और उससे 100% कहता हूँ कि हर बार हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है डिटर्मिनेंट से, तो सभी बच्चों को अच्छे से करना एक एक चीजें, ये समेशन जितना भी मैंने करवाया वो आपको करना है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई मेरे पास, ये आंसर बना भी कहीं, ये देखो क्या आया है, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको चीजें बेसिक बताई है, इधर वाली तो जो लाइन से इधर है ग्रीन जो सिग्नल दिया है इससे इधर का, तो आपको सिर्फ बेसिक बताया कि किस तरीके से समेशन निकालना है। तो ये हमारे पास पूरे के पूरे क्वेश्चन और इस बेसिस जितनी भी चीजें हैं वो आपको इस तरीके से पूरा कवर करना है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी भी प्रकार से, आपको मन में डाउट नहीं रखना है, शंका नहीं करना है, क्योंकि जब मैं आपको इतने अच्छे लेवल से चीजें करवा रहा हूं तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, इतने तक आप कवर कीजिए। अब उसका ज्यादा चीजें नहीं बची हुई है, जल्द ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा और सभी बच्चों को करना है। जेई में एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, हर बार आता है, तो आपकी शिफ्ट में भी जरूर आएगा। तो मिलते हैं, इतने तक एंजॉय कीजिए और पूरा काम है कंप्लीट कीजिए।